Assalamu alaikum guys, I'm back with another vlog and today I'm in Pir Ghaib Quetta se 70 km ke faasle par hai aur yahan pe aap pehle to yahan pe kacha rasta hota tha to aap abhi kisi bhi gaadi mein aa sakte ho aur is waqt jo main niche wale talab mein hu third ya fourth mein hu udhar upar se rasta aata hai hum log jaise hi darae bulan mein enter honge to udhar ke lutf andoz aur dilkashish chatane aur wadiya hame jo मनाजिर पेश करेंगे उससे हमारे रोज़मर्रा के मसले मसाइल हम लोग तो भूल जाएंगे और हम लोग जैसे दर्रा बुलान में दाखिल होंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे साथ साथ एक रेलवे ट्रैक चल रहा है। हम लोग अगर उस रेलवे ट्रैक की तारीख पर नज़र मारें तो हमें ये मालूम होगा कि पाकिस्तान के कदीम तरीन और मशहूर तरीन रेलवे ट्रैक्स में से एक हैं। अगर हम लोग देखें इसकी तारीख तो हमें ये पता चलेगा कि ये ट्रैक 1894 में इस पर मुकम्मल काम हो गया था और ये खुल गया था, क्योंकि उधर आप जैसे जाते हो उधर जो टनल्स के ऊपर नाम लिखे होते हैं जैसे मेरी जेन या विंडी कॉर्नर उसके ऊपर तारीख भी लिखी होती है। तो हम लोग अगर बात करें इस रेलवे ट्रैक की तो ये क्वेटा से मेन रेलवे ट्रैक है कहीं भी जाने को लाहौर इस्लामाबाद, और ये इसका जो मेन फंक्शन था बनाने का वो सिब्बी को क्वेटा से कनेक्ट करने का था। तो इस पर काम काफ़ी अरसे तक चलता रहा और आप इधर जैसे एंटर होगे तो आपको ये भी मालूम होगा कि इधर के जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं वो कितनी मेहनत से बने और आज तक ब्रिटिश ने बनाए हैं, आज तक खड़े हुए। हम लोग तारीख पे नज़र मारिए पीर गायब की तो कहने में ये आता है कि पीर गायब और उनकी जो बहन थी बीबी नानी वो इस्लाम की दावत देने के लिए इधर आए थे इस इलाके में। तो इधर जो लोग थे वो आग परस थे, मतलब आग की पूजा करते थे, तो वो उनके दुश्मन बन गए। उनके पीछे एक फ़ौज भेज दी उन्होंने, बीबी नानी वो दूसरी तरफ मतलब वो उनसे बच के निकल गई और हम पीर गायब इधर आ गए थे। तो पीर गायब जब इधर आए वो उस तरफ पीछे जब चले गए थे तो उधर रास्ता तो बंद था आखिर में, तो उन्होंने दुआ मांगी कि उनको कोई रास्ता मिले और वहाँ से वो गायब हो गए और आज तक उनका नहीं पता चला। मेरे पीछे इधर उन्होंने हज़रत बाबा पीर गायब का पीर मज़ार बनाया हुआ है और क्या बोलते हैं इधर वैसे इनकी गायबाना कब्र है। ये पीर साहब यहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि उनके पीछे मैंने आपको स्टोरी बताई, तो इनके इधर मज़ार बनाया हुआ है, इधर आप दुआ के लिए आ सकते। पीर गायब का सबसे बड़ा तालाब है, ये फिर भी गर्म है, इससे नीचे जिधर हम लोग थे उधर थोड़ा ठंडा होता है, मतलब ये होगा वार्म वाटर होगा लेकिन इससे भी जो गर्म है ऊपर वाला तालाब है, तो ये सबसे बड़ा तालाब है और गहरा। इधर हम लोग थोड़ा सा पहाड़ पे चढ़े और ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि उस तरफ पानी मतलब इस तरफ ख़त्म हो गया, पीर गायब में पीछे उधर बस आगे पानी उधर जा रहा है और इधर भी कुछ तालाब है तो उसके भी मैं आपको सीन्स दिखाता हूँ। इधर से तालाब वैसे ज़्यादा नजर आते हैं, इधर जो खूबसूरत क्या बोलते हैं पाम ट्रीज़ हैं वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं। मैं पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ इधर आना चाहते हो तो आप वीकेंड्स पे आओ, वरना अगर आपने लड़का पार्टी के साथ आने मतलब फ्रेंड्स के साथ तो आप किसी पे वीकडे पे आ सकते हो। जगह बहुत अच्छी प्यारी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इधर आओ। सफाई का ख्याल रखें क्योंकि हमारा एक ही सबकी एक ही ज़मीन है, आप अगर इसकी सफाई की ख्याल नहीं रखोगे तो मतलब आप किसी की नहीं कर रहे, तो आप सफाई का ख्याल रखें और इन्जॉय करें, नहाएं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ख़तरनाक गहरी जगह है और बहुत अच्छी जगह थी। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट, कमेंट लाइक शेयर, थैंक यू।